हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला पार्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्या डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की? लेट ए एंड बी टू सेट्स। The intersection of A and B is the set of all the elements which belongs to both A and B। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स जो A और B में बिलोंग करते हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एंड का मतलब क्या है, दोनों जगह होनी चाहिए। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और का मतलब क्या होता है कि एक अगर उनमें से एक भी सेटिस्फाई हो तो चलेगा, ये दोनों हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तो देखो इसका सिंपली मतलब आप समझ गए होंगे कि ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 2 3 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये एक सेट ही होगा और ये इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे जो दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो कॉमन 3 है और 2 है और 3 है, तो ये ए इंटरसेक्शन आपका बी हो गया। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट। तो इसका एलिमेंट अगर एक्स है तो एक्स कैसा होना चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स आपका ए में बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग करेगा। अब वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है? सपोज करो हमारे पास दो सेट ऐसे हैं, ये सेट ए है ये सेट बी है। तो कौन सा रीजन इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों का कॉमन है? ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। हाँ, आगे जो पहला नोट जो है, अच्छा तो यहां पर क्या है, अगर मान लो ऐसे हो कोई भी दो सेट्स, मान लो एक सेट ए यहां पे है, बी सेट यहां पर है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? इनका इंटरसेक्शन फाई हो गया, इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और अगर मैं बोलूं यहां पर ये सेट ए है और इस सेट के अंदर बी है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? बी सेट ही इसका इंटरसेक्शन हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन बी हो गया। तो जो पहला नोट है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ x belongs to A and x belongs to B। क्या मतलब हो गया कि x आपका A intersection B में कब belong करेगा? या तो x A में भी हो और साथ में x B में भी हो। और अगर x हमारा कोई element है जो A में भी है और B में भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x A intersection B में लाई करेगा। जो second point है, x not belongs to A intersection B। तो x A इंटरसेक्शन B में नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो x A में नहीं है या x B में नहीं है। मतलब A और B में से या तो A में नहीं है या B में नहीं है, हो सकता दोनों में ना हो। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू A और x नॉट बिलोंग्स टू B। अब आपको पता है और में तो दोनों कंडीशंस भी एक साथ हो सकती हैं, तो यहां पे क्या है, या तो A में नहीं हो या B में नहीं हो या दोनों में ना हो, तो और तो इस कंडीशन को साथ लेके चलता है। तो x not belongs to A intersection B if and only if x not belongs to A or x not belongs to B। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है इंटरसेक्शन? तो पहली प्रॉपर्टी
यूनियन की तरह ही ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, मतलब कोमोटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा लिख रहे हो बाद में कौन सा लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होते हैं, सेम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे ए हमारा सेट है 1 2 3, बी हमारा सेट है 2 3 4 5, तो अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो भी 2 ही 3 आएगा, और बी और ए में कॉमन निकालोगे तो भी कॉमन तो वही रहना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल लो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लो, सेम थिंग है ये, और ये दोनों चीजें सेम है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हमारा है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के ही इक्वल है, तो इसी चीज को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब हम पहले किन दो में इंटरसेक्शन ले रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब इक्विवेलेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग करते हैं हम लोग, जो थर्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा बताओ, ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ, तो ये फाइव ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए कोई सेट लेता हूं यहां पे 1 2 3 4, और यहां पे एक एम्प्टी सेट लेता हूं, एम्प्टी सेट मैं बोलूं इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन फाइव हमारा फाइव आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन आप जब बुक में देखोगे ना तो आपको इनमें फर्क दिखाई देगा, जैसे ऐसा नहीं है कि ए यूनियन बी लिखा है या फिर और कुछ भी लिखा है, तो यहां पे यूनियन के साइन में और यूनिवर्सल सेट का यू में फर्क होता है, आपको बुक में डिफरेंस दिखाई देगा, मैं लिखता हूं तो ये थोड़े सेम से दिखाई देते हैं पर इसमें फर्क बहुत डिफरेंस होता है, ये छोटा सा ऐसे होता है और यू आपको पता है ऐसे होता है, बहुत डिफरेंस दिखाई देगा आपको। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए को और यूनिवर्सल सेट में मैं अगर कॉमन देखूं तो क्या कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, सारे ए के एलिमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या आएगा, अगर ए सबसेट है बी का देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए ओनली। ठीक है, ये देखो क्या है कि ये मेरा ए है यहां, सॉरी यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे बी मैंने लिया 1 2 3 4 5, और ए इसका सबसेट है, ए मैंने लिया 1 2 3, तो अब इनमें कॉमन देखूंगा क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो ए के एलिमेंट्स है वो दोनों में कॉमन हो जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, तो 1 2 3 तो मेरा ए है। यहां पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगभग खत्म होगी, हम एक क्वेश्चन देखते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी को, लास्ट वाली प्रॉपर्टी मतलब कौन सी, ए अगर सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए ही हो जाएगा, इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, हमने बनाया यहां पे बी बना लिया, अब ए जो है वो सबसेट है बी का तो इसका मतलब कहीं पे अंदर ही होगा, अब इनका अगर मैं देखूं इंटरसेक्शन, इनका कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट तो यही रह गया, तो ए ही आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट ए एस, और सेट बी है मेरा एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू जेड, सेट बी है मेरा एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू जेड। सो आपको फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हो फिर मैच कर सकते हो। सो यहां पर ए जो हमारा सेट है वो हो जाएगा, अगर ये हमारा सेट फिल्टर फॉर्म में लिखा हुआ है,
सेट फिल्टर फॉर्म मीन्स रूल वाली फॉर्म, ठीक है, रूल लिखा हुआ है हमने यहाँ पे बस, ठीक है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने से आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू, जैसे n को रखा हमने जीरो तो आया जीरो, n को रखा वन तो आ गया टू, n को रखेंगे अगर माइनस वन तो माइनस टू, तो प्लस माइनस टू आ गया। फिर आगे n को रखा, यहां पे n को रखा टू तो फोर आया, माइनस टू रखा तो माइनस फोर आया, तो प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स। और कल भी हमने डिस्कस किया था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो सेट हमारा ए वाला सेट, ये है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। बी जो हमारा सेट है बेटा वो हो जाएगा सेम वे में करते हैं, सो पहले रखेंगे जीरो तो जीरो ही आ गया, फिर अगर वन रखा तो थ्री और माइनस वन रखा तो माइनस थ्री, तो ये हो गया प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, ठीक है। और टू रखा तो सिक्स, माइनस टू रखा तो माइनस सिक्स, थ्री रखा तो नाइन और माइनस थ्री रखा तो माइनस नाइन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये सेट बी, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री है, वो मल्टीपल ऑफ टू है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ थ्री है, ये मल्टीपल ऑफ थ्री है, ये मल्टीपल ऑफ टू है। अपने देखना कॉमन कौन से आएंगे, तो देखो वैसे अगर हम सिंपली देखें तो मल्टीपल ऑफ टू और मल्टीपल ऑफ थ्री में कौन से कॉमन आते हैं, जो मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री दोनों के मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ टू और मल्टीपल ऑफ थ्री में कॉमन वो आते हैं जो दोनों के मल्टीपल हो। अब दोनों के मल्टीपल कौन से होते हैं, जो मल्टीपल ऑफ सिक्स हो, जो छह के मल्टीपल हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मेरा, अच्छा यहाँ पे देख भी सकता हूँ भाई, यहाँ पे सिक्स कॉमन आया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लिखूंगा तो आएगा प्लस माइनस एट प्लस माइनस टेन प्लस माइनस ट्वेल्व, ठीक है। और यहाँ पे तो अगला ही प्लस माइनस ट्वेल्व आएगा, तो फिर ये अगला कॉमन आ गया हमारा, तो फाइनली हमारा कॉमन क्या है, जीरो प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस एटीन एंड सो ऑन, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स इज सच दैट x belongs to, okay, x is equal to 6n. देखो हमने 3 के मल्टीपल्स को कैसे लिखा था, x is equal to 3n, 6 के मल्टीपल्स को 6n, और n हमारा कहां पे बिलोंग करेगा, z में, सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। आगे एक नोट और है कि मान लो वही जो हमने इसी टाइप का नोट एक यूनियन ऑफ सेट्स में लिखवाया था, नोट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास फाइनाइट फैमिली है ए वन ए टू ए थ्री और हम लोगों को इनके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री अप टू ए एन इंटरसेक्शन ए एन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए आई आई इज इक्वल टू वन टू एन, तो इस चीज को ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। अगला जो पार्ट है इसी का, इंटरसेक्शन का ही पार्ट है, एक तरीके एक डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स। सो अगला क्या बताया मैंने, डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी disjoint sets if A intersection B is equal to phi। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा था disjoint, मतलब उनमें कोई joint नहीं है, मतलब वो different different अलग अलग से हैं। तो दो sets को हम लोग disjoint कब कहेंगे, जब उनका intersection phi हो, उनमें कुछ intersection ना हो, जैसे A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 4, 5, 6, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, सो ए और बी कैसे सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ओके। और अब अगला क्या है कि जैसे ये भी एक छोटे से प्रॉपर्टी टाइप में, यही भी एक डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है, फाई होता है तो डिसजॉइंट सेट्स कह देते हैं, और अगर इंटरसेक्शन फाई के इक्वल ना हो देन ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग
और ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, तो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो वो कैसे सेट्स होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे या ओवरलैपिंग सेट्स बोल देंगे। अब वेन डायग्राम में डिजॉइंट सेट्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये मान लो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहां पे सेट ए ये बी, तो ये कैसे हैं, इनमें कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। और ए बी ठीक है, अगर मान लो इनमें ये पार्ट कॉमन आ गया अब तो इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं। तो इस वीडियो में हम यहां तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूनियन पर और इंटरसेक्शन पे। थैंक यू।